आप ये कम मत समझिए कि योगी जी कम है, योगी जी को आप हिला के देखिए पूरा देश हिल जाएगा। अतीक और मुख्तार चाहिए है ना, सुनिए इनको ये वही चाहिए, मुजफ्फरनगर का दंगा चाहिए, अखिलेश राज का, तभी असली लोकतंत्र है, तभी संविधान है ना, और तभी शासन है। अब योगी जी के बारे में बता रहे हैं, योगी जी की राजनीति शुरू हुई कहाँ, एक बनटंगिया जाति है। सुनिए सुनिए, एक मिनट, जोगी जी के बारे में चर्चा चल, सुन लीजिए जोगी जी के बारे में। बनटंगिया जाति होती है जंगल में रहती है, जो दलित है। दूसरी जाति होती है मुसहर, ठीक ना, यह सब दलित जातियां हैं। उनको एक करने के लिए उनके बीच में ही शुरू करके काम करके जोगी जी अपनी राजनीति स्थापित की है। स्टार्टिंग जरा एक बता दीजिए, अखिलेश यादव मुलायम सिंह जितने नेता हैं जिनकी राजनीति दलितों के बीच में शुरू हुई है, मैं गुलामी निकालूं। अगर मुजफ्फरनगर में दंगा होता है अखिलेश के राज में, अगर अब सुनिए, दंगा की बात नहीं कर सकते, समझ रहे ना, हम दंगा की बात नहीं कर सकते, दंगा होते रहना चाहिए इनके हिसाब से, समझ गए ना। मुहर्रम के समय की नारेबाजी भी हुई है, जो दंगा की बात करेंगे, समझ रहे ना, अपराधी अतीक मुख्तार के नाम से हो, अगर अगर अपराधी हैं इस पे बात कर देंगे, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर देंगे, है ना, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर देंगे तो दिक्कत है। सर सवाल ये है कि बात होनी चाहिए, समझ रहे ना, हिंदुओं को बांटने की बात करनी चाहिए। अच्छा अच्छा, गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये वो वाले हैं। अगर अच्छा हो गया गुंडा राज क्या होता था, अखिलेश यादव में यादवों का बोलबाला चलता था, और मायावती आती थी दलितों का बोलबाला चलता था। तो देखिए इनको वही पसंद था कि गुंडा राज चलता रहे, माफिया पनपते रहे और लोगों की जमीनों को हड़पते रहे। किसको बदलने की जरूरत है भाई, योगी को बदलने का तो आप सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल। आप योगी को बदल दोगे ना, मीटिंग दिल्ली में बैठक हो रही है। एक मिनट, योगी जी ना उतने ही पॉपुलर है जितने प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, बिल्कुल। आप ये कम मत समझिए कि योगी जी कम है, योगी जी को आप हिला के देखिए पूरा देश हिल जाएगा। लेकिन ये तो दिल्ली में बैठकी हो रही है लगातार, केशव प्रसाद मौर्य भी आ रहे हैं लगातार, जो दावेदार जो सत्ता के दावेदार योगी जी के सीएम बनने से पहले सत्ता के, आप लोग समझ नहीं रहे हैं उस चीज को। केशव प्रसाद मौर्य मूलतः संगठन के आदमी है, ठीक ना, उनको ले जाना है संगठन में, सरकार संगठन से बड़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सरकार संगठन से, संगठन ही सरकार बनाता है, संगठन जो है वो केशव प्रसाद मौर्य के साथ में है, और सरकार जो योगी जी के साथ में है, तो योगी जी छोटे हो गए। संगठन के ही आदमी केशव मौर्य हैं, अब उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री से हटा के, है ना, उप मुख्यमंत्री से उनको लाया जाएगा संगठन में, संगठन में काम करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे हैं, इसी पे काम हो रहा है लगातार, इसी में विपक्ष जानबूझ के यह बात प्रोपगंडा फैला रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि केशव प्रसाद मौर्य को संगठन कैसे उत्तर प्रदेश का चलाना है, जिस समय अमित शाह जी ओबीसी को लेके और दलितों को लेके और सारे नेताओं को, नए नेताओं को लेके और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ था और उसमें सबसे बड़ा माहौल आया था, उसी पे फिर काम करने का प्लानिंग चल रहा है उसको ये विपक्ष। अब यह तो अब उसमें अखिलेश यादव या कर रहे, अखिलेश यादव मेरी बात सुनिए, ये जो बड़ा माहौल की बात कही है ना केशव प्रसाद, इन्होंने खुद बताया कि केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा माहौल बनाया, मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया तो योगी जी को बना दिया गया। अभी लॉ एंड ऑर्डर की जो बात बता रहे हैं, मैं श्रावस्ती की घटना एक महीने के अंदर की बता रहा हूँ। कुर्मी बिरादरी को स्पेशली वहाँ के पूर्व विधायक, उसने गाली दी है व्हाट्सएप पे और सब जगह सर्कुलेट हुई है। डीएम को मैंने चिट्ठी लिखी, एसपी से मैं खुद मिल के आया हूँ, एक महीना पूरा हो गया है आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और आज अभी चार दिन पहले की बात है, वही उसी श्रावस्ती में एक दलित को बियर की बोतल में पंडितों ने मूत्र पिलाया है जबरदस्ती गन पॉइंट पे। तो ये योगी जी के राज में हो रहा है, शहर मिल रही है, राज में हो रहा है, मैं एक शहर की बात बता रहा हूँ, मैं एक जिले की बात बता रहा हूँ। हाँ शह मिल रही है, शह मिल रही है योगी के राज में, शह देखिए, इसलिए ये हार का इस बार जो प्रदर्शन भिखा रहा है। एक सेकंड, ये कह रहे हैं सर, एक एक करके और सुनिए, ये एक जिले, सुन लीजिए, ये एक जिले की खबर है, एक जिले की खबर है, पूरे प्रदेश में यही हाल है, खबरें यहाँ तक नहीं आती हैं, और जब अगर कोई वायरल करने की कोशिश करता है ना तो एफआईआर उसके ऊपर। आपको लग रहा है यही कारण रहा कि इस बार फीका प्रदर्शन रहा, कारण यही लगता है क्या? सुनिए, ये कारण नहीं है, सुनिए, अरे सुन तो लीजिए भाई, सुन लीजिए, देखिए यह बात सही है, इसको सुन तो लो भाई, मेरी बात सुन लो, दो मिनट, एक मिनट सुन लीजिए, यह बात सही है,
कि योगी जी के राज में अधिकारियों का मनोबल बढ़ा है, बड़ा है। मैं भी यूपी से हूँ, इसको मैं इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन अभी आज के डेट में आप एक घटना कह रहे हैं, अभी आज के डेट में दलितों के साथ दलितों बारात निकाल रहे थे, उनके बारात पे समुदाय विशेष के मुसलमानों ने पत्थरबाजी किया, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अभी दो दिन पहले की घटना, अभी तो शह मिल रही है ना, वहाँ भी तो शह मिल रही है, आपको लग रहा है क्या, क्या आपको लग रहा है? बिल्कुल नहीं, अकबरपुर, अकबरपुर सुनिए, अकबरपुर में, अकबरपुर सुनिए, अरे सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ, अकबरपुर में लखनऊ में जो मकान गिराए गए ना, वो मकान 40% हिंदुओं के थे, 60% मुसलमानों के थे, लेकिन क्या हिंदुओं को मकान मिल गया क्या? आप पूछिए उनसे क्या लॉ एंड ऑर्डर है। आप मकान गिराने से पहले भेदभाव नहीं कर रही है ना, कि हिंदुओं को दे रही है, मुसलमानों को नहीं दे रही है, ये बात तो खारिज, बिल्कुल ये भेदभाव नहीं है, ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है, ये न्याय नहीं है, अन्याय है। और अयोध्या सुनिए, गरीब मारी है, किसान मारी है, अयोध्या में उसका परिणाम देखने को मिला है, इससे ज्यादा और कोई सबूत नहीं चाहिए। और मैं बता देता हूँ, संविधान की हत्या, संविधान की हत्या, मैं बता रहा हूँ संविधान की हत्या, एक एक बिंदु पे जातपात चला है, बिल्कुल जातपात चला है और कुछ नहीं चला है, जातपात ही चला है। वहाँ पर जो पासी जी को वोट वो दिया गया, टिकट दिया गया है, वहाँ 5 लाख के करीब वोट हैं वहाँ पर पासियों के, केवल जातपात की, अतीक और मुख्तार चाहिए है ना, सुनिए इनको ये वही चाहिए, मुजफ्फरनगर का दंगा चाहिए, अखिलेश राज का, तभी असली लोकतंत्र है, तभी संविधान है ना, और तभी शासन है। अखिलेश यादव कह रहे हैं एक बार जब जब देखिए समझ रहे हैं ना, नहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं, अखिलेश सर 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 एक सेकंड सर सर प्लीज सर सर एक सेकंड, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जो भाजपा के अंदर ये जो हम जातिवाद, देखिए जाति पे चले हैं, हम धर्म की बात करेंगे ना, एक बात बताइए, दंगा धर्म होता है, दंगा दंगा ठीक है, अगर मुजफ्फरनगर में दंगा होता है अखिलेश के राज में, अगर अब सुनिए दंगा दंगा की बात नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना, हम दंगा की बात नहीं कर सकते, दंगा होते रहना चाहिए इनके हिसाब से, समझ गए ना, मुहर्रम के समय की नारेबाजी भी हुई है, जो दंगा की बात करेंगे, समझ रहे ना, अपराधी अतीक मुख्तार के नाम से हो, अगर अगर अपराधी हैं इस पे बात कर देंगे, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर देंगे है ना, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर देंगे तो दिक्कत है। सर सवाल ये है कि बात होनी चाहिए, समझ रहे ना, हिंदुओं को बांटने की बात करनी चाहिए, उनकी बहन बेटियां लूटी जाएं, उनको अपराधी उठा ले जाएं, एके सैतालीस, अरे तो मुजफ्फरनगर में क्या किसकी लूट गई थी, मुजफ्फरनगर की बात करो ना, आप एक हाथ मुजफ्फरनगर में कितने कितने लोगों के साथ हुआ, नहीं अच्छा की बात क्यों नहीं हुई, मुजफ्फरनगर तो आपने कैश कर लिया और सरकार बना ली, हाथरस में कोर्ट का आदेश क्या आया, हाथरस में कोर्ट का आदेश क्या आया, हाथरस कोर्ट का आदेश मालूम, कोर्ट का आदेश हमें नहीं मालूम है, पूरा अपडेट तो रही महाराज, कोर्ट का एक्सपोज हो गए, कोर्ट ने कहा इस तरह की कोई घटना नहीं है, कोर्ट ने कहा, हम नहीं कह रहे हैं, ये हाथरस की घटना पे कोर्ट ने कहा, लेकिन मुजफ्फरनगर की घटना, वो दो बच्चे बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हुआ था, ठीक ना, छेड़छाड़ हुआ था, दो बच्चे गए पूछने के भैया तुम क्यों किए, उन दोनों बच्चों को मारा गया, चले गए वो सब समुदाय विशेष के लोग, कहाँ, जिनकी भैंस खोजी जा रही थी, पुलिस खोज रही थी, अब इस समय चूंकि गश्ती तख्ती पर लेके और कहते हैं कि भैया हमको जेल में डाल दो नहीं तो इनकाउंटर हो जाएगा, अब इस तरह का शासन था, और उस समय बहुत थी भैंस खोजी जा रही थी, तो वो सारे डीएम एसपी सारे अधिकारियों को हटा दिया गया, और उसके बाद से अटैक कर दिया गया, जब वो मीटिंग कर रहे थे, तो सरकार वही चाहिए ना, यही तो आप कहना चाहते हैं, हाँ तो आज वही उन्हीं के ऊपर कार्रवाई, अखिलेश यादव बार बार कह रहे कि भाजपा के भाजपा जो सरकार बार बार करती है, जो षड्यंत्र करती आई है, वही आज कितने दंगे हुए, दंगे नहीं, दंगे होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, अरे श्रावस्ती की बात, योगी जी के राज में दंगे हुए, श्रावस्ती की बात, दंगे योगी जी के राज में दंगे हुए क्या, पहले तो यूपी के बारे में कहा जा रहा था कि भाई कितने दंगे हुए आपको नहीं पता, योगी के राज में कहां हुए, बरेली में योगी के राज में दंगा हो रहा था, उन्होंने नहीं दिया, किसने नहीं होने दिया, एसपी ने होने नहीं दिया, एसपी को तुरंत ट्रांसफर कर दिया, वो योगी जी नहीं किए, वो योगी जी के प्रशासन ने नहीं किया, वो एसपी ने नहीं होने, समझ रहे, अगर हो जाए तो, अगर हो जाए तो, देखो सुनो अरे कंट्रोल में है एसपी, किसके कंट्रोल, डीएम किसके कंट्रोल, बात सुनो पूरी बात सुनो, एसपी ने उसे रोका, मेरी बात सुनो, अरे मेरी मुझे बोलने दो, गुंडागर्दी दंगेबाजी नहीं हो रही है,
एससी एसटी ओबीसी का अधिकार छीना जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है, कह रहे अधिकार छीना जा रहा है, अधिकार छीना। देखिए ये जो है अच्छा अच्छा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये वो वाले हैं। अगर अच्छा हो गया गुंडा गुंडा राज क्या होता था, अखिलेश यादव में यादवों का बोलबाला चलता था और मायावती आती थी दलित दलितों का बोलबाला चलता था। तो देखिए इनको वही पसंद था कि गुंडा राज चलता रहे, माफिया पनपता रहे और लोगों की जमीनों को हड़पता रहे। गेस्ट हाउस कांड ना, उसमें अधिकार नहीं छीना गया। बरेली की घटना जो लखनऊ में मायावती को गैस की गैस का वो लगा के ना, वो 100 साल पुरानी हो गई, समझ गए ना, समझ रहे ना, उससे बड़ा कांड जो दलित की बेटी थी, मैं कह रहा हूँ बरेली प्रदेश की नेता थी, सारा देश जानता था, उसको क्या किया गया, प्रदेश के सारे गुंडे घेर के कमरे में, अगर ब्रह्मदत्त द्विवेदी नहीं पहुंचे होते तो उस दलित महिला के साथ क्या हुआ होता, बची होती कि नहीं बची होती, यह सारा प्रदेश जानता है, ठीक ना। लेकिन अब वो लोकतंत्र वो सही था, समझ रहे ना, वो बीती बात हो गई, ठीक ना। इस तरह के जोगी जी कुछ नहीं किए। सुनिए अब एक एक घटना सुनिए, अब जोगी जी के बारे में बता रहे हैं। जोगी जी की राजनीति शुरू हुई कहाँ, एक बनटंगिया जाति है। सुनिए सुनिए एक मिनट जोगी जी के बारे में चर्चा चल, सुन लीजिए जोगी जी के बारे में। बनटंगिया जाति होती है जंगल में रहती है जो दलित है, दूसरी जाति होती है मुसहर, ठीक ना। यह सब दलित जातियां हैं, उनको एक करने के लिए उनके बीच में ही शुरू करके काम करके जोगी जी अपनी राजनीति स्थापित की है। स्टार्टिंग जरा एक बता दीजिए, अखिलेश यादव मुलायम सिंह जितने नेता हैं जिनकी राजनीति दलितों के बीच में शुरू हुई है, मैं गुलामी।